हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि जो मेरी पुखराज की वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, और बहुत लोगों की डिमांड पे मुझे उन्होंने बताया कि आपने पुखराज के बारे में तो बहुत कुछ बताया, लेकिन अब वो उसके रेट के बारे में आप कुछ बताने वाले थे, रेट का कुछ बताइए। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये पुखराज का रेट कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि माइंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ये पुखराज जो है किस माइंड का है। अब माइंड से मतलब कि किस ओरिजिन का है। अब पुखराज कई जगह से आते हैं, जैसे उड़ीसा से भी आता है, बैंकॉक का आता है, थाईलैंड का आता है, सिलोन का आता है, अफ्रीका से आता है। तो सबसे अच्छा पुखराज जैसे कि सिलोन श्रीलंका का होता है। और अब उसमें रेट कैसे डिसाइड करें, रेट का कैसे पता, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं। माइनिंग के बाद सबसे बड़ा फैक्टर आता है कट। पत्थर का एक कट होता है, जैसे हम डायमंड में बोलते हैं आइडियल कट है, इसी तरह पत्थर में भी ना पुखरा अपने स्टोन के अंदर भी कुछ कट आते हैं। तो कटिंग से उसकी एक लस्टर आता है, चमक आती है, उसका एक सलीका बनता है। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है। आपने सुना होगा कि जब हम बोलते हैं जेम स्टोन के बारे में तो हम बोलते हैं कलर स्टोन। बड़ी एक लैंग्वेज है कलर स्टोन की। तो कलर तो फैक्टर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पुखराज में कलर भी होता है। तो जितना कलर उसमें बढ़ेगा तो प्राइस उसका बढ़ता ही है, ये मान के चलिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रीटमेंट करके कलर बढ़ा दें, ये डिपेंड करता है। क्योंकि सिलोन के जो श्रीलंका के पीस आते हैं उसमें कलर लाइट होता है, उसके भी पैमाने हैं कि कलर उसमें कितना फैक्टर। कलर के बाद आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी एक फैक्टर होता है। अब क्लैरिटी में क्या होता है, पत्थर के अंदर रेशा पानी होता है, फेदर्स होते हैं, थोड़ा बहुत होना जरूरी भी है, पर लेकिन जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होता है उतना उसका प्राइस बढ़ता है। उसके बाद एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि ट्रीटमेंट। अब इसमें कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। इसमें हीट ट्रीटमेंट होता है, थर्मल ट्रीटमेंट होता है, कलर ट्रीटमेंट होता है, और इसके अंदर ग्लास फिलिंग का ट्रीटमेंट नया आ गया आजकल, तो वो काफ़ी चल रहा है और वो बिकता भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हम बोलते हैं कि हीट ट्रीटमेंट उस वो कलर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, उससे कलर थोड़ा बढ़ जाता है। थर्मल ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्लैरिटी थोड़ी क्लियर हो जाती है। और जैसे हम बोलते हैं ग्लास फिलिंग का माल आ रहा है या ग्लास फिलिंग ट्रीटमेंट, तो उसका मतलब है कि उसमें ना मतलब क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो माल मार्केट में इतना फैला हुआ है ग्लास फिलिंग का ट्रीटमेंट का, तो लोग इतने भटके हुए हैं क्योंकि अब वो एक आम आदमी नहीं बता सकता कि ये क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि सिलोन का पीस लें, श्रीलंका वाला, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और उसके अलावा जैसे हम बोलते हैं ये गवर्नमेंट की लैब होती है IGI की, तो इसका आप सर्टिफिकेट लें। ये सर्टिफिकेट इस तरह का कुछ दिखता है, इसमें ना सब लिखा होता है कि ये नेचुरल है। इसमें कलर इंडिकेशन लिखा होता है कि नो ट्रीटमेंट ऑफ कलर इंडिकेशन। इससे ना काफ़ी हेराफेरी बढ़ जाती है। तो ये जब सब सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं उसके हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड होता है। एक ऑन एवरेज 5.25 हफ्ते का सिलोन का पुखराज जो रेगुलर मार्केट में बिकता है वो 20,000-25,000 का बिकता है एक अच्छा पीस। फिर उसके ऊपर भी आते हैं और उसके नीचे भी आते हैं। बिल्कुल हल्की रेंज लेंगे तो वो 400-500 रुपये पर अत्ती का भी आता है, पर कैरेट का भी आता है। और इसमें बहुत हाई लेवल के पीस भी आते हैं, 1,00,000 रुपये अत्ती का पीस भी आता है। तो हमारी इंडिया में सब तरह के लोग हैं, वो लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के पीस लेने वाले यहाँ बैठे हैं। तो ये मुझे लगता है आपके एक यूज़फुल वीडियो आपके काम में आएगी। और आपको कुछ भी अगर लेना हो तो जेम माइंस करोलबाग में हमारा ऑफिस है, वहाँ आपको बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे फिक्स प्राइस हमारा होता है, और हम डिब्बी पे सब लिख के रखते हैं, और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ आपको मिलेगी, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू वेरी मच। कलर के बाद आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी एक फैक्टर होता है। अब क्लैरिटी में क्या होता है, पत्थर के अंदर